अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज 14 अगस्त है, आज यौमे आज़ादी है, जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें हमारा ये जो मुल्क है, प्यारा मुल्क है, ये बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ था। हमें इस मुल्क की बहुत कदर करनी चाहिए, यकीन करें। बड़ी आज़ादी बड़ी नेमत होती है, ठीक है ना। तो आज मैंने सोचा कि बचपन से हम लोग सुनते थे कि यार मजार कायद पे, कायद आजम मोहम्मद अली जिना साहब के मजार पे चेंज ऑफ गार्ड की एक परेड होती है, ठीक है। तो वो बचपन से सिर्फ सुना था, कभी जाके देखी नहीं है, कभी एक्सपीरियंस नहीं की कि क्या होता है क्या नहीं होता। आज मैंने सोचा कि इस मौके पे आपको क्यों ना हम जो है वो कायद आजम मोहम्मद अली जिना साहब के मजार पे लेके चलते हैं, उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा, आज जो है ना वो एक्चुअली अभी जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ वो एक्चुअली जो परेड होती है ना उसकी रिहर्सल हो रही है, ठीक है। तो रिहर्सल में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे होती है। उठने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, सही है, तो मैं नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, मैं बस तैयार हुआ हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और मैंने बोला फटाफट निकलते हैं, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं, वापसी में सब कुछ करेंगे। ये देखें भाई, अब हम एंटर हो गए हैं वीआईपी गेट से। ये आप देख लें मंजर सामने मजार कायद का, और ये खूबसूरत सुबह है, यकीन करें। और फर्स्ट टाइम इस तरह आपका भाई यहाँ पे एंटर हो रहा है, गाड़ियों की इजाजत नहीं होती है, सही है। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ इस तरह, और यहाँ पे आने के लिए स्पेशल परमिशन आपको रिक्वायर्ड होती है, अगर आपके पास है तभी आप आ सकते हैं इस तरह, अदरवाइज अलाउड नहीं होता। भैया मैं ऊपर जा रहा हूँ, सही है, क्योंकि ये जो परेड है ये ऊपर होगी, सही है, स्टेयर से रास्ता है। और ये देखिए तैयारियाँ फुल जोरों पे। परेड तो आपको पता है कि जो है वो इनकी तरबियत का एक हिस्सा होता है, सही है। इसके अंदर सब लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है वो अपने पैर की जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। परफेक्शन के साथ ये लोग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो सेंटर में है, ठीक है, ये परेड के इसके वो पहले चीफ गेस्ट होते हैं। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, अभी मेहमान खसूसी मजार की सीढ़ियों पर पोजीशन लेंगे जहाँ इन्हें जनरल सलाम पेश किया जाए। सही सही। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जो परेड कमांडर है ना वो जी इनको रिपोर्ट बनाएगा कि गार्ड जो है मॉर्निंग के लिए तैयार है, जिसके बाद सही से गार्ड मॉर्निंग के लिए जाएंगे। सही। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दो आगे चल रहे हैं इन्हें पायलट कहा जाता है यहाँ, बिल्कुल।
पेश किया जा रहा है अब कायद को। बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है, पाकिस्तानी नेशनल एंथम चल रहा है। सही, और इनके पीछे जो सर आगे पोजीशन लेंगे उसके बाद आस्था चल करते हुए कैडेट के अंदर सही मज़ार के अंदर जाएंगे और चार कैडेट्स मज़ार के बाहर और चार मज़ार के अंदर सही। देखें ड्रम की जो बीट है वो इनके पैरों के साथ बिल्कुल कितनी अच्छे से सिंक्रोनाइज हुई हुई है।
थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि कौमी सलामी भी जो है वो दी जाती है, ठीक है, जो चीफ गेस्ट होते हैं इनकी तरफ से, और ये जो फूल चढ़ाए जाते हैं इसको जो है वो इनकी लैंग्वेज में कहा जाता है रीत। तो इसके लिए जो है ये अंदर आते हैं जो चीफ गेस्ट होते हैं और यहाँ पे जो है वो फूल रखते हैं, ठीक है, और सलामी पेश करते हैं कायद को। अब जो है ना मार्च ऑफ हो रहा है, सही है, ये वापस अपनी अपनी पोजीशंस पे जा रहे हैं जैसे आए थे ये लोग, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर शहरयार साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपसे कुछ सवालात करूँगा, लेकिन इससे पहले सबसे पहले एक चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट करी है, स्काई डाइवर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा ये क्या है। बेसिकली जो स्काई डाइविंग कोर्स है ये हमारे जो स्पेशल सर्विसेज के जो जवान हैं या ऑफिसर्स हैं वो ये करते हैं, बट आई गॉट लकी, मैं यूके में एक ट्रेनिंग कोर्स पे था तो वहाँ मुझे एक चांस मिला कि जो उनके ब्रिटिश आर्मी पैराशूट एसोसिएशन है वो ये कोर्स करवा रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद जो है मैंने परमिशन लेके और ये कोर्स वहाँ पे किया उनके साथ, तो एक मुनफरिद एहसास था, ये एक मुनफरिद चीज़ थी जो मैंने वहाँ से की, और इस वजह से, और आप बेसिकली फ्री फॉल जो है वो डाइव स्काई डाइव करते हैं तो उसके बाद आप ये जो है स्काई डाइव का जो इंसिग्निया है ये आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये कितने हाइट से जो है वो जंप किया आपने? बेसिकली जिस तरह कोर्स आपका प्रोग्रेस करता है उस तरह आपकी हाइट इंक्रीज होती जाती अच्छा, है। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली आप पहले स्टैटिक लाइन से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आप डमी पुल्स करते हैं, उसके बाद जो है फिर आप फ्री फॉल पे जाते हैं, तो एट दी एंड जो है वो 10,000 to 14,000 फीट जो है वो आपकी जंप। अच्छा, देखिए भाई बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल पूछूंगा आपसे कि ये जो पाकिस्तान नेवल एकेडमी के जो कैडेट्स हैं जो इस तरह डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं यहाँ पे परेड के अंदर, तो इसके पीछे, इस ट्रेनिंग के पीछे कितनी मेहनत शामिल होती है, इसका थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, इन कैडेट्स की ट्रेनिंग के लिए बेसिकली ये सारा एक टीम वर्क है, हमारे कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, एक पूरी टीम जो है वहाँ पे है, डिविजनल ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन का स्टाफ है जो उनकी पढ़ाई को देखता है, गनरी इंस्ट्रक्टर्स हैं जो उनकी ड्रिल देखते हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ है जो उनकी स्पोर्ट्स और स्विमिंग और बाकी चीज़ें देखता है। तो बेसिकली ये इन कैडेट्स को ट्रेन करने के लिए, उनको इस तरह फौजी सांचे में डालने के लिए एक पूरी टीम जो है वो काम कर रही है। ज़बरदस्त। उस टीम की जो कारकर्दगी है वो आप लोग के सामने होती है, डिसिप्लिन कैडेट जो है वो निकल के आता है आपके सामने। सही, बेहतरीन। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ पूछूंगा, नेवल एकेडमी तो बहुत सारे कैडेट्स होते होंगे वहाँ पे, बहुत सारे होंगे, उसमें से किस बेसिस के ऊपर सिलेक्शन होती है कि कुछ कैडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि स्प्रेड का हिस्सा बने? बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि कायदे आज़म के मज़ार पे आके बाबाए कौम को एक एजाजी गार्ड देना हर कैडेट की ख्वाहिश होती है कि वो इस गार्ड का हिस्सा बने, लेकिन चूंकि हमारे पास एक सर्टन तादाद में हमने कैडेट्स को लेके आना होता है, तो जिस तरह स्पोर्ट्स के ट्रायल्स होते हैं जी, इसी तरह हम परेड के ट्रायल्स करते हैं। अच्छा। तो उसमें जो कैडेट परेड में, मार्चिंग में, फिजिकल अपीयरेंस में, मिलिट्री बेयरिंग में, वो जो अच्छे कैडेट होते हैं फिर उनको सिलेक्ट किया जाता है और उनको फिर यहाँ लेके आया जाता है, जो कि गार्ड का हिस्सा बनते हैं, परचम पार्टी का हिस्सा बनते हैं, तो उस सिलेक्शन के प्रोसीजर से गुजर कर ये सारे इस गार्ड में पहुँचते हैं। सही। देखें भाई, ये जो है ना मतलब एक पूरा एक प्रोसेस है जो इस क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करते हैं, इसके बाद उनको ये जो है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना जो है ना लाइफ टाइम समझ लें आप एक्सपीरियंस यहाँ पे करते हैं परेड का हिस्सा बनते हैं। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मेरे साथ मौजूद है डिविजनल कैडेट कैप्टन वहाज। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपसे मुझे ये पूछना है कि देखें, अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा बनना वैसे ही एक बड़े एजाज की बात है, लेकिन अपने अजीम कायद को खराज तहसीन यहाँ पे पेश करना उससे भी बड़ा एजाज है, तो इसके बारे में आप कैसा फील कर रहे हैं ये बताइए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करना अस खुद एक बहुत बड़ा एजाज है बेशक, लेकिन हर कैडेट की ये ख्वाहिश होती है कि वो आकर मज़ार कायद पर बाबा कौम को खराज अकीदत पेश करें। मेरे समेत मेरे डिविजनल ऑफिसर्स, सेलर्स गार्ड और तमाम कैडेट्स इस बात पर बहुत फख्र महसूस करते हैं कि आज उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस स्प्रेड के लिए जिस ट्रेनिंग से आप लोग गुजरते होंगे वो सख्त और कड़ी ट्रेनिंग होती होगी, तो उसके जो ट्रेनिंग के कुछ मराइल हैं उसके बारे में कुछ बताइए।
जी जितना पुरवकार या तकलीफ है उसके लिए ट्रेनिंग भी उतनी कठिन दरकार होती है। इस ट्रेनिंग की जो शुरुआत होती है वो ट्रायल से होती है। हर कैडेट की ये ख्वाहिश होती है वो आकर यहाँ पे बाबा कौम को सलामी पेश करें, लेकिन जो बेहतरीन मार्चर्स होते हैं कैडेट से वो सिलेक्ट किया जाता है। और ये तमाम कैडेट्स और अफसरान साहिबान हमारे साथ यहाँ पर 5-6 घंटे दिन में रोज़ ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, ड्रिल की खूबसूरत बात ही अमान की यानी कि सिंक्रोनाइजेशन है, और सिंक्रोनाइजेशन लेना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए हम अपने असातिज़ा के बहुत मशहूर हैं जिन्होंने आज हमें इस काबिल बनाया कि हम ताज आज़म जैसी हस्ती को यहाँ पर सल्यूट पेश करने आ गए। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। छुट्टी ही टफ है लेकिन इसका भी मज़ा ही अपना है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले भाई, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई। तो भाई मैंने सोचा कि जहां हम इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं तो क्यों ना आज के दिन का स्पेशल एपिसोड आपको बना के दिखाएं। और जो सबसे बड़ी एक्टिविटी हमारे शहर कराची के अंदर होती है इंडिपेंडेंस डे के वाले से, वो आपको दिखाया मैंने। जो है वो जितना पॉसिबल हो सका आप लोगों को जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर की, लोगों के इंटरव्यूज भी लिए जो यहाँ पे ऑफिसर्स थे उनके बारे में भी सारा पूछा कि कितनी मेहनत जो है वो शामिल होती है सारे प्रोसेस के अंदर जो प्रेड होता है। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों ने जो है वो एंजॉय की होगी। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव वीडियो थी प्रेड के हवाले से। इंशाल्लाह इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों का। अपने मुल्क का ख्याल रखें, कदर करें, बड़ी कुर्बानियों के साथ मिला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।